हेलो फ्रेंड, तो आज हम बनाने जा रहे हैं फूल गोभी के पत्ते की भुजिया। तो इसके लिए हमें चाहिए एक फूल गोभी। फूल गोभी ले लिया है तो उसे देखना नहीं है। अब हमें वो फूल गोभी के सारे पत्ते को तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद सारे पत्ते को अच्छे से एक से दो बार पानी से धो लेंगे। आज के बाद हम फूल गोभी के पत्ते को कभी फेंकेंगे नहीं। उसके बाद फूल गोभी के पत्ते को अच्छे से बारीक कट कर लेंगे। उसके बाद हमें दो आलू चाहिए, उसे भी अच्छे से कट करके धो लेंगे। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल या राई का तेल एक टेबल स्पून डाल देंगे, एक चम्मच। उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। उसमें 8 से 9 लहसुन की कलियाँ कट करके डाल देंगे। उसके बाद हमें एक चम्मच जीरा लेंगे और उसे भी कढ़ाई में डाल देंगे। 3 से 4 कटी हुई मिर्ची भी डाल देंगे। जो हमने फूल गोभी के पत्ते कट किए थे उसे भी कढ़ाई में डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने जो आलू कट किया था उसे भी कढ़ाई में डाल के अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम नॉर्मल धीमी आंच पर ही पकाएंगे। फास्ट गैस का फ्लेम तेज रहेगा तो ये जल जाएगा। इसके बाद हमें इसमें चाहिए 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 सा गरम मसाला। हम लोग एक टेबल स्पून गरम मसाला। उसके बाद आप अपने स्वाद के अनुसार, इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। नमक थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा, बाद में हम ऐड कर सकते हैं टेस्ट करके भाजी, लेकिन ज़्यादा हो जाता है तो भाजी खाने में अच्छा नहीं आता। और मैं हमेशा गलती करती हूँ, नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाल देती हूँ इसलिए। और ये भाजी को हम और ये भाजी में हम कोई भी पानी नहीं मिलाएंगे। जो तेल हमने डाला था उसी से पकाएंगे। अब ये सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक ढक्कन से ढक के धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाएंगे। अगर गैस का फ्लेम तेज रहेगा तो भाजी जल जाएगी, इसीलिए हम इसे धीमी आंच पर धीरे धीरे पकने देंगे। बीच बीच में ये भाजी हम चलाते रहेंगे जिससे ये कढ़ाई में नीचे पकड़ ना ले। आलू अच्छे से पक जाए और भाजी थोड़ा सा लाल हो जाए तो ये खाने में बहुत टेस्टी आएगा। उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। आप इसे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर कुछ गलती रहे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।